तो क्या लगता है, रीजनिंग नहीं पढ़ना है? रीजनिंग तो इजी है, ऐसा ही हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो। आई विल सजेस्ट कि हर एक क्वेश्चन के पहले कुछ पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और आपका 20 में से कितना मार्क्स आ रहा है वो कमेंट में डालिए, ताकि पता चले कि हाँ किस लेवल का प्रिपरेशन चल रहा है बच्चों का। पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, HJP KMSTDA फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? ये मेरे को जो यहाँ नजर आ रहा है ये +3 है, JKLM ये भी +3 है, तो ये ऑब्वियसली ये भी +3 होगा। तो इसी तरह से जो CDA का होगा वो भी +3 करके होगा। तो C+3 जो है CDEF G आखिर में D, द करेक्ट आंसर इज FGD, दैट इज 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये भी RRB NTPC में आया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे BOWL DMYJ TLAT प्ले फोर्थ पे क्या आएगा? हम लोग को जैसे ही देखते रहना चाहिए, ये है +2, नेक्स्ट है ओ सेम का क्या रिलेशन है, -2, W से +2, अच्छा +2 -2 हो रहा है, -2 ठीक है, +2 -2 +2 -2 ठीक है। इसके लिए इसका हो जाएगा PR +2 -2 +2 -2 +2 ठीक है। आंसर इज FJCRG, देखते हैं ऑप्शन में RJCRG, यस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा आज के सेशन में मैं जितना भी क्वेश्चन ले रहा हूँ सब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो गुड वे ऑफ प्रैक्टिस। सारा टाइप का क्वेश्चन आपका एक वीडियो में प्रैक्टिस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी RRB NTPC में आया हुआ है। अगेन हम लोग को जैसे ही देखते समय पता चल जाएगा दिस इज +1, दिस इज +2, +3, +3 ये है +4 ठीक है। तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4, +1 +2 +3 +4 ठीक है। तो हम लोग इधर ही फॉलो करना करना पड़ते हैं ऐसे ही GW Z T N, करेक्ट आंसर इज WZTN, देखते हैं ऑप्शन में, यस WZTN इज द करेक्ट आंसर। अगेन ये भी RRB NTPC में आया है ठीक है। अब यहाँ पर देखते ही हम लोग समझ में आ जाएगा, जो एक्स है वो सी का अपोजिट है, इसी तरह डी से डी का अपोजिट क्या होगा, डब्लू, डब्लू इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, WAITER। अच्छा देखिए इसमें क्या है ना, जब भी ऐसे इधर लेटर्स मिले और इधर नंबर्स मिले, तो जो लेटर्स है उसके पोजिशन नंबर्स के ऊपर ये आंसर बनता है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं इसीलिए पोजीशन नंबर यहाँ लिख के रखा है। तो W में कितना है, 23, 1, I का 9, 20, E का 5, R का 18 ठीक है। लेकिन ये नंबर तो मैच नहीं हो रहा है, ये कैसे मैच होगा, 23 + 1 = 24, ये 29, 18 + 5 = 23 ठीक है। तो ये दोनों एक एक कपल को जोड़ जोड़ के ये आंसर बन रहा है, तो हम लोग इसी तरह से इधर का निकालेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जे का है 10, यू का है 21, एम का है 13, पी का है 16, ई का है 5 प्लस आर का है 18 ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जोड़ देंगे जब, तो
31, 29, 23, तो आंसर में देखते हैं 31, 29, 23। हाँ, पहला पहला नंबर 39, 31, 29, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वैसे ही है, इधर लेटर दिया हुआ, इधर नंबर दिया हुआ, तो इन लोग का पोजीशन नंबर पहले लिख लेते हैं। 19, 20, 24, 12 प्लस 5, तो हम लोग पता चल जा रहा है कितना जोड़ेंगे तभी ये आएगा, क्योंकि ये तो 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है और यहाँ पर डबल डिजिट में है, आ रहा है 81। इसी तरह इसका हम रिजल्ट देखेंगे, 3 का 3 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 11, आ रहा है 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गया 36। तो इसका आंसर होगा 36, ये भी आरआरबी एमटीपीसी में आ चुका है। चलते तो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर आप देखते ही पता चल रहा है कि ये इसका अपोजिट है नंबर, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, इसी तरह से हम लोग को इसका अपोजिट देखना होगा। तो डी का अपोजिट होता है डब्लू, ई का होता है भी, एफ का होता है यू। हाँ, देखते हैं आंसर में डब्ल्यू वी यू, इसी से करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं बोलता हूँ रीजनिंग पढ़ना चाहिए, फ्री का सारा नंबर देखे जाता है, रेलवे में 30 में 30 मिल सकता है अगर रीजनिंग का थोड़ा प्रैक्टिस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी में आ चुका है पिछले बार। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही ऐसे लेटर्स मिलते हैं अलग अलग, हम लोग बोले थे कि लेटर्स का आपस में कितना का ये है वो देखना होता है। यहाँ पर है पी क्यू आर एस +3, ये भी हो रहा है +3, ये भी हो रहा है +3, तो ये भी होगा +3, ये हो रहा है +1। इसका मतलब कि +3, +3, +3, +3, +1 पे जाएगा, ठीक है। तो सी प्लस सी का प्लस सी का जगह सी का डी ई एफ, डी ई एफ, आई का जे के एल, टी का सी क्यू वी डब्ल्यू, और ये लास्ट वाला +1 है, वाई का जेड, एफ एल डब्ल्यू जेड। करेक्ट आंसर है डी, एफ एल डब्ल्यू जेड। तो लेटेस्ट वाला ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं नंबर्स वाले के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे, पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 11 के स्क्वायर के आसपास ये नंबर है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्क्वायर का 30 तक और क्यूब का 20 तक मिनिमम याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये है 11 स्क्वायर कितना होगा, 121, अब +11, 132, मतलब कि इटसेल्फ का स्क्वायर प्लस, मतलब जिससे जिसका स्क्वायर कर रहे हैं प्लस साथ में वही जोड़ना है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 36 प्लस 6, ये 42 हो जा रहा है, ये नहीं होगा, 9, 81 और 9, ये भी नहीं है, 8, 8, 64, हाँ ये आंसर है, 8² = 64 + 8 = 72, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ये यहाँ पर क्यूब का खेला हो रहा है, ये कितने का है, 49, 49, 49, ये है 7 का क्यूब, ये है 11 का क्यूब, ये है 9 का क्यूब, यहाँ देख रहे हैं +4 का क्यूब हुआ, यहाँ भी +4 का क्यूब होगा, तो 9, 4, 13 का क्यूब कितना होगा, 2197। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्यूब और स्क्वायर आपको 20 तक कम से कम क्यूब और 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 11, 143, 13, 221, 7, और यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग यहाँ देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये 11, 13 और 7 नॉन डिविजिबल नंबर्स है, अभाज्य नंबर, ठीक है। तो ये 11 यहाँ लिखे हैं, 11 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा, ये आएगा 13 से 143,
ठीक है, 13 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17। अच्छा, जो नंबर है उसका नेक्स्ट, मतलब जैसे ये अभाज्य नंबर है तो नेक्स्ट अभाज्य नंबर से उसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, 11 हुआ तो 13 से, 13 हुआ तो 17 से, तो 7 के बाद नेक्स्ट अभाज्य नंबर कितना है? 11। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11, 77 इसे करेक्ट आंसर। यस, जी 77 इसे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 232 और क्या आएगा नेक्स्ट? 32 क्या होता है? 32 होता है 2 का पावर 5, तो 4 का 5 पावर 5 जो होगा वही आंसर होगा। तो 4 का पावर 5 कितना आता है? वहाँ पे तो क्यूब का क्या है? 64 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय अगेन 4, 1024 इज द करेक्ट आंसर। अगेन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही समझ में आएगा, 2, 7, 11 तीनों ही अभाज्य नंबर है। ठीक है, तो कैसे इसका बनेगा? अभाज्य नंबर कितना होता है? 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
तेरह, 17, 19, 23, 29, ये सारे जो नंबर्स है ना, ये अभाज्य नंबर्स होता है, इसको लिख करके याद भी कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ 7 है, बीच में 2 गायब है। इसी तरह से 11 के बाद 2 गायब कर देंगे, 13 और 17 गायब कर देंगे, तो 19 फिर भी करेक्ट है सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 6, ये मल्टीप्लाई वही है 9, 72। अच्छा, +2 हुआ है। तो इसी तरह से 11 +2 6, 8, यहाँ पर 10, यहाँ हो गया 11 × 10, 110 इज द करेक्ट आंसर। 110 ऑप्शन में, हाँ 110 इज द करेक्ट आंसर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है 15, 90, 203, 1015, 16। अच्छा, इसको देखते ही ऐसे बनेगा, ये मल्टीप्लाई बाई 6 है, ये मल्टीप्लाई बाई 5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 कर रहे हैं जब 64, ये तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि कुछ अलग लॉजिक लग रहा है। तो अगर हम के लिए अगर ऐसा देखें, अच्छा इसमें ऐसे देखेंगे, ये 6 कब आएगा, 1 + 5 करने से ये 6 आ रहा है, 2 + 0 + 3 करने से ये 5 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 + 6 जो 7, तो 16 × 7 करेंगे, तो 16 × 7 = 112। 112 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं ऑप्शन में, यस 112 जो है वो करेक्ट आंसर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग कहाँ आ रहा है, 3 × 24, 81 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो 81 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई कर रहे हैं 5 × 5 ना, इससे आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ये लॉजिक नहीं लग रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये पावर्स का है, 3 का पावर कितना होगा, 243, 3 का पावर 5 करेंगे तो 243 आता है, इसलिए 5 का पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, आपको तो याद ही नहीं है, तो 5 का पावर 4 तक याद है वो है 625। एक और बार 5 कितना कर सकते हैं, 3125, 5 का पावर 5 करेंगे तो 3125 वो आंसर आ रहा है। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरपीएफ में आया था, 0.16, यहाँ पर 16, मतलब कि ये हुआ है डिवाइड बाय 100, इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो
एक डिजिट ये होगा, एक डिजिट और जीरो बनेगा, तो इसका आंसर होगा 0.0102। देखते हैं ऑप्शन में। हाँ यस, ये 0.0102 विल बी द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं ये लास्ट क्वेश्चन आज के तक वीडियो का, तो लोग समझ में आ रहा है ये है, देखते समझ में आ जाना चाहिए। 4² - 1 ये है 4² 4³ - +1 इसी तरह से होगा 5² - 1 नेक्स्ट वाला हो जाएगा 5³ + 1। 5³ कितना होता है 125 + 1 126 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के लिए वे सारे क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने चूज़ किए थे ताकि ओवरऑल पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।